वहाँ का नज़ारा कैसे लगता है, तो एंजॉय करिएगा यार। जगह की खासियत ये है कि यहाँ आने वाले की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, सैटरडे संडे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप मानसून में जगह पे विज़िट करना चाहते हो तो नज़ारा काफ़ी अलग ही होता है। क्योंकि ये जो डैम है, जो आप मेरे पीछे डैम देख रहे हो, ये डैम में पानी का जो स्तर होता है काफ़ी बड़ा होता है, बढ़ जाता है बारिश के कारण, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया होने के कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो जिस टेम्पल में हम विज़िट करने जा रहे हैं, वो टेम्पल एक्चुअली अगर आप मेरा फिंगर पॉइंट होते देख सकते हो तो दैट इज़ वेयर द टेम्पल इज़। अभी आपको नज़र तो नहीं आएगा क्योंकि वो जो टेम्पल है थोड़ा सा फॉरेस्ट में होने के कारण नज़र नहीं आएगा। हम धीरे धीरे अपने शोर के नज़दीक आ रहे हैं अभी, और वहाँ से जैसे कि हमने अपना खुद का कार बुक किया हुआ है तो हमें लोकल बस पे जाना है नहीं, तो चलो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी हम इस बोट से उतर गए हैं, और फिर बोट से उतरने के बाद जैसे हमने आपको पहले बताया कि अपना खुद का कार है, तो कार लेके हम अभी वो टेंपल के बाहर जाने वाले हैं। अभी हम अपने कार में बैठ गए हैं, अभी हम निकलने वाले हैं हमारी मंजिल की ओर, और हमारी मंजिल का नाम है भाई क्या, मैं भूल जाता हूँ यार उस टेंपल का नाम। सिकंदर नहीं अंकल, वो टेंपल का नाम क्या है? सिकंदर। और इस टेंपल के बारे में बहुत सारी मान्यता है ना कि अगर आप कुछ कामना करते हो मन से तो आपकी मान्यता पूरी होती है। तो अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो और आप चाहते हो कि ऐसी कुछ कामनाएं जो आपको लगता है कि आपको पूरी करनी, वो कामनाएं पूरी होनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेंपल में आइएगा। ये जो टेंपल है सागर से कुछ 35 किलोमीटर लंबा है, और जैसे मैंने आपको एक नज़ारा दिखाया जिसमें आपकी कार एक शिप डेक पे रखी जाती है, और फिर उसके बाद आपको पीछे है ना, पीछे जगह है ना, तो फिर अपनी कार उस शिप पे रखी जाती है, और फिर आपको जो ये छोटा सा बैक वाटर एक्चुअली पार करके इस जगह लेके जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ चोड़ेश्वर टेंपल में आया हूँ, और यहाँ के पुजारी जी ने हमसे बात करने के लिए मान्यता दी है,
तो हम अभी आपको पुजारी जी से बात करवाते हैं और यहाँ की जो मान्यता है उनके बारे में खुद पुजारी जी से जानते हैं। तो पुजारी जी, आप हमें थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, लेकिन ठीक है, चलेगा, ज़्यादा बात नहीं करने की होता है। ठीक है, लेकिन मैं इधर से 15-16 साल से इधर हूँ, लेकिन इधर 300 साल का पुराना मंदिर है। इधर आदमी लोग, बहुत लोग आते हैं, उसका कुछ जो समस्या रहता है ना, वो इधर आके माँ के पास बताते हैं, बस उसका समस्या पूर्ण होने के बाद में इधर आके उसको कुछ बोलते जाते हैं ना, उसका ऐसा ऐसा होता है, मैं आपको कुछ है तो इधर आके वो काम हो जाता है, हो जाने के बाद में इधर पूजा करके फिर जाते हैं। Okay. ये अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पहला पूजा रहता है। Okay. बाद में 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पूजा रहता है, कंटिन्यू पूजा रहता है। बाद में 3:30 बजे से शाम को 6 बजे तक काली दर्शन रहता है। तो ये पूरे साल तक शुरू रहता है, कभी कभी बंद, कभी भी बंद नहीं रहता। तो जैसे कि मैं आपको रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ अगर कोई बंदा कोई मनोकामना लेके आता है, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप वो मनोकामना सच्चे दिल से अगर माता को बताते हो बताए तो वो पूरी होती है, पूरी हो जाती है। ये सच है, वो सच है। लेकिन मैं है ना इधर, मेरे को भी थोड़ा तो 2-3 एक्सीडेंट हुआ था फाइनल कार्ड में, तो आपके खुद के एक्सपीरियंस है। 4 महीने तो चल नहीं पा रहे थे, फाइनल कार्ड फ्रैक्चर हो गया, मेरा जिंदगी हुआ बोल के नहीं सोचा था, लेकिन दूसरा जन्म दिया मेरे को। तो आप माता के पास आए और आपने बोला कि मुझे ठीक कर दो। पहला मैं इधर काम कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में ऐसा हुआ, बाद में मैं सोचा, फिर मैंने बोल दिया मेरे को और काम करना आपका, मेरे को ठीक होने का अभी कर रहा हूँ, अभी 4-5 साल हो गया। तो दोस्तों, जैसे पुजारी जी बता रहे हैं, मैं आपको, पुजारी जी का हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताने वाला हूँ कि पुजारी जो अभी बोले कि पुजारी जी का खुद का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसमें उनका जो फाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुआ था, और उसके बाद वो यहाँ मंदिर आए, और मंदिर आने के बाद उन्होंने माँ से मनोकामना की कि अगर आप माँ उनको अच्छे से ठीक करवाती है तो वो माँ के यही काम करना शुरू कर देंगे। और कोई तो बता रहा था कि ये मंदिर पहले पानी में था शायद। हाँ हाँ, वो मोला स्थान बोलते हैं ना। हाँ, वो इधर पानी में था फिर। नहीं नहीं, लिंगमुखी डैम हुआ ना सर। हाँ, वो तो बैक वाटर इधर आया। ओके, बाद में 25 साल हुआ उधर से, इधर से कुछ स्थापना करके 25 साल। ठीक है, थैंक यू पुजारी जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। जैसे कि आपने देखा, ये जो पुजारी जी थे उनसे अभी हमने बात की, और ये जो बता रहे थे कि ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कि आपको किसी और बंदे से बात करवानी है और फिर किसी बंदे से बात करनी है और फिर जानना है कि यार यहाँ ये जो मैंने अभी बोला शुरू में आपको कि आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है नहीं। यहाँ जिस पुजारी जी से आपने अभी बात की, वो पुजारी अपना खुद का एक्सपीरियंस बयां कर रहे थे। उनके साथ यही एक्सीडेंट हुआ था कुछ सालों पहले, और उन्होंने माँ से मनोकामना की कि अगर माँ उनको ठीक करवा देती है तो वो फिर अपनी सर्विस इस मंदिर में कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके दिल में सच्ची मनोकामना है तो आप वो मनोकामना यहाँ लेके आ सकते हैं, और फिर आप उस मनोकामना को माता को सच्चे दिल से बता सकते हो। और बन्नी।